निशा रसोई की आज की रेसिपी है चिकन साटे। ये एक स्टार्टर है। इसको मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली हूँ और ये मैदा है, ये कॉर्नफ्लावर है, ये सेजवान चटनी है, ये ब्लैक पेपर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये नमक है, ये विनेगर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये ब्लैक सॉस है। चिकन में मैं एक अंडा फोड़ लूँगी और इसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी इतना। नमक मिर्ची पाउडर और वाइट पेपर भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। कॉर्न फ्लावर और मैदे को भी मैं ऐड कर लूंगी मेरे हिसाब से, देख देख कर मैं ले लूंगी। ब्लैक सॉस को भी मैं नमक देखकर ही डालना, क्योंकि सॉसों में भी तेल होता है, नमक होता है। शेजवान चटनी को भी मैं ऐड कर दूंगी। विनेगर को भी मैं ढक्कन भरकर ऐड कर लूंगी। विनेगर की जगह आप नींबू भी ले सकते हैं। और मैं सारों को चिकन में अच्छी तरीके से लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़। चिकन को मैं मसाले लगाकर आधा घंटा छोड़ दूंगी और मसाले मैंने लगा दी हूँ। अब मैं एक सॉस तैयार कर दूंगी। ये टमाटर सॉस है और ये सेजवान चटनी है, ये ब्लैक सॉस है, ये विनेगर है, ये हरी प्याज को मैंने कट करके ले ली हूँ, ये काढ़ी को मैंने 15 मिनट तक भिगो कर ले ली हूँ, कॉर्न फ्लावर है 2 छोटे चम्मच मैंने पानी में घोल कर ले ली हूँ, 15 लहसुन की कलियों को चॉप कर ले ली हूँ, हल्का मैंने नमक ली हूँ और वाइट पेपर काली मिर्च पाउडर ली हूँ। अब मैं एक सॉस तैयार कर लूँगी। इस टमाटर केचप में मैं सेजवान चटनी को ऐड कर दूँगी और इसके साथ में ब्लैक सॉस को भी ऐड कर लूंगी और 1 चम्मच भर के मैं विनेगर भी ऐड कर लूंगी और नमक और ब्लैक वाइट पेपर भी मैं ऐड कर लूंगी और अच्छे से मैं इसको घोल कर मिलाकर रख दूंगी। चिकन में मसाले लगाकर आधा घंटा मैंने रेस्ट पर छोड़ दी थी। अब चिकन को मैं काढ़ी में इस तरीके से ऐड कर लूँगी। एक काढ़ी में मैं 3-3 चिकन को ले लूँगी और इसी तरीके से ऐड करके मैं रख लूँगी। काढ़ी में मैंने चिकन को 3-3 पीस ऐड कर ली हूँ, देख सकते हैं आप। और गैस मैंने ऑन कर दी हूँ और ऑयल गर्म हो रहा है। अब एक एक काढ़ी को उठाकर मैं फ्राई कर लूंगी, अच्छी तरीके से मैं फ्राई करके ले लूंगी उलट पुलट करते हुए सबको मैं फ्राई कर लूंगी। चिकन को मैं अब पलटी मार लूंगी, इसी तरीके से सारे चिकन को मैं पलटी मार लूंगी। चिकन को मैं पलटी मार ली हूँ, सारे चिकन को मैं इसी तरीके से फ्राई कर कर ले लूँगी। चिकन को मैंने फ्राई कर कर ले ली हूँ और पैन में मैंने हल्का ऑयल रख ली हूँ और गैस ऑन कर दी हूँ। अब लहसुन को मैं ऐड कर दूँगी और हल्का मैं लहसुन को पका लूँगी। लहसुन को मैं हल्का पका कर ले लूंगी। अब लहसुन में मैं सॉस को ऐड कर दूंगी और अच्छे से सॉस को मिला लूंगी मैं। सॉस हमारा अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप। अब कॉर्नफ्लावर जो मैंने घोल कर रखी थी इसको मैं सॉस में ऐड कर दूंगी ताकि हमारा ये सॉस थोड़ा
गाढ़ा हो जाए और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाकर पका लूँगी। अच्छे से मैं कॉर्नफ्लावर को सॉसों में मिला लूँगी और अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। कॉर्नफ्लावर और सॉस अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं चिकन को इसमें ऐड कर दूँगी और चिकन को भी मैं अच्छे से सॉस में मिला लूँगी, मिलाकर मैं सॉस में पका लूँगी। अब हरी प्याज को मैं ऐड कर दूँगी जो काट कर रखी थी और ये रेडी हो चुका है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चिकन साटे स्टार्टर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।